नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। गुना जिले के बीनागंज स्थित शक्ति सेवाश्रम संस्थापक सिद्ध क्षेत्र हस्तिनापुर पीठाधीश्वरी सिद्ध साध्वी तपस्वी माँ सुशीला जी ने अपने जीवन काल में देश हित व जनहित में सैकड़ों भविष्य कथन अपनी इष्ट श्री जयंती माता की कृपा से कहे, जो सत्य हुए व समाचार पत्रों में छपे, जिनकी कटिंग आज भी इनके आश्रम पर सुरक्षित है। ये हमेशा रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक तपस्या करती है, जिसे शास्त्रों में तुरही संध्या कहा गया है। इस संध्या को करने वाले देश में गिने चुने ही तपस्वी संत है। हमारे रिपोर्टर ने आज देश में चल रही कोरोना आपदा के विषय में इनके आश्रम पहुंच जानना चाहा तो बामुश्किल कैमरे के सामने बोलने को तैयार हुई। श्रीमा ने कहा कि 15 मई के बाद मध्य प्रदेश में स्थिति में सुधार आएगा, अन्य कई प्रदेशों में प्रकोप जारी रहेगा। देश से कोरोना का प्रकोप शीघ्र समाप्त हो, इसके लिए हम श्रीमा चरणों में निरंतर तपस्यारत है। बीनागंज से आर के शर्मा की रिपोर्ट। जय माता की। जय माता की। माता जी, हम जानना चाहते हैं कि आप रात्रि में 12 बजे के बाद 4 बजे तक पूजा में तपस्या में लीन हो जाती हो, तो इस कोरोना काल में महामारी जो चल रही है उसके बारे में माता जी ने आपको क्या आवास करवाया है? 15 तारीख से मध्य प्रदेश में शांति हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा, वो राज्यों में थोड़ा चलेगा, वो राज्यों में अभी चलेगा। जय माता।